इथियोपियन एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है। एडिस अबाबा के पास इथियोपियन एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 क्रैश हो गया। घटना रविवार सुबह की है। विमान केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। विमान में कुल 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। रॉयटर्स के मुताबिक इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई है। बोइंग 737-800 इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा से स्थानीय समय 9:45 बजे नैरोबी के लिए उड़ान भरा था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठते ही कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया था। एयरलाइंस ने अपने एक बयान में यह बात बताई। एडिस अबाबा के दक्षिण पूर्व विमान के क्रैश होने की आशंका है। विमान में 149 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार है। बयान के मुताबिक फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और अब तक किसी के जिंदा बचने होने या हताहतों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। एयरलाइन ने कहा कि इथियोपिया एयरलाइंस के स्टाफ घटनास्थल पर भेजे जाएंगे और इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वैसा किया जाएगा। फ्लाइट में जो लोग सवार हैं उनके दोस्तों और परिवारजनों को सूचना देने के लिए जल्दी इन्फॉर्मेशन सेंटर शुरू किया जाएगा।